2016 में मेरा मेडल आया तो अनाउंस किया गया था कि एमडीयू में स्पोर्ट्स डायरेक्टर की, और बस उस पर बात चल रही है, काफ़ी साल हो गए मैं भी कह रही हूँ, लेकिन किसी ना किसी कमी की वजह से पता नहीं क्यों नहीं अभी तक मुझे मिल पा रही है। देखो, साक्षी पीछे मेडल जीत के आई थी, उसके अनुसार मुझे नहीं पता उसका किस जॉब उस पर बनता है। इस बार के मेडल के हिसाब से डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स की रैंकिंग बनती है। जब भी किसी पहलवान का गांव में सम्मान होता है तो ये बेईमानी रह जाएगी जी, माड़िया पहलवान जी का नाम यहाँ नहीं लिया गया तो अधूरा रहेगा ये सम्मान। माड़िया पहलवान भूपेंद्र डिमांड की है, 2016 में मेरा मेडल आया तो अनाउंस किया गया था कि एमडीयू में स्पोर्ट्स डायरेक्टर की, और बस उस पर बात चल रही है, काफ़ी साल हो गए मैं भी कह रही हूँ, लेकिन किसी ना किसी कमी की वजह से पता नहीं क्यों नहीं अभी तक मुझे मिल पा रही है, लेकिन आज फिर सर ने बोला है, सीएम सर ने बोला है कि वो ज़रूर इस पर करेंगे और ज़रूर जो मेरी 2016 में जो मांग थी, जो अनाउंस किया गया था, वो ज़रूर मुझे पद दिलवाएंगे। देरी हुई है लेकिन वही बात है कि किस्मत से पहले भी कुछ नहीं मिलता, सब भगवान अपने हिसाब से चलाता है और किस्मत के साथ जो भी मिलेगा उसको स्वीकार है, हो सकता है। भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे वो मुझे नहीं पता, आज के दिन भी पद लाओ नौकरी पाओ की नीति है, इनाम उनसे ज़्यादा सरकार दे रही है, बस ये है कि वो पुलिस का एक जॉब का पेपर देते थे और हमारी ये सोच है कि पुलिस से ज़्यादा आज खिलाड़ियों की डिमांड ज़रूरत जो है वो स्पोर्ट्स रिलेटेड डेवलपमेंट में, और स्पोर्ट्स में अगर ऐसे खिलाड़ी आएंगे तो मुझे लगता है स्पोर्ट्स और प्रगति करेगा। आज बहुत से ऐसे गेम हैं जहाँ भर्ती के अंदर कोई खिलाड़ी अप्लाई नहीं करता, मगर जब उसको मेडल जीतने के बाद जॉब ऑफर लेटर मिलता है तुरंत जाकर वो प्रदेश सरकार के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में ज्वाइन करता है। देखो, साक्षी पीछे मेडल जीत के आई थी, उसके अनुसार मुझे नहीं पता उसका किस जॉब उस पर बनता है। इस बार के मेडल के हिसाब से डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स की रैंकिंग बनती है, पर मैंने साक्षी को भी कहा है कि वो भी उस पूरे कागजात को मेरे को एक बार भेज दे कि मैं उसको टेकअप करूँगा पर्सनली, क्योंकि सरकार की कमिटमेंट है और उसको हम पूरा ना करें ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है कि हम कंप्लीट कर बच्चे को उसका अधिकार दें। जब भी किसी पहलवान का गांव में सम्मान होता है तो ये बेईमानी रह जाएगी जी, माड़िया पहलवान जी का नाम यहाँ नहीं लिया गया तो अधूरा रहेगा ये सम्मान। माड़िया पहलवान जी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप इस सम्मान, दलबीर भरण जी, बीना मकड़ोली जी, आप सबसे निवेदन है, हमारी इस बेटी ने पूरे हिन्दुस्तान में गौरवान्वित किया गाँव मोखरा को। आपकी तालियां नहीं रुकनी चाहिए दोस्तों, और क्यों ना हो, आज इन होनहार खिलाड़ियों ने हमारे गाने का काम इस धरती की लड़ दी, अपनी फाइनल जो फाइट थी उसमें, और चांद मोखरा जी अशोक सपम के साथ सुशल चौटाला जी को का मान सम्मान करेंगे। इन खिलाड़ियों का मान सम्मान करते हुए कोमल वैन भूपेंद्र भाई, अब तालियों की घटना रुकनी नहीं चाहिए, आपका समय आ चुका है, भाई दोनों हाथों को खोल के तालियां बजाएं। श्रीमान बलवान सुहाग जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। आज के हमारे प्रतिभा समारोह के मुख्य अतिथि यशस्वी उप मुख्यमंत्री, दूसरे काम में देना चाहूंगा माननीय यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने पिछले दिनों जयपुर के अंदर, मैं मंच पर निवेदन करूंगा सुरेंद्र बलारा जी जो अलका अध्यक्ष है वो आए और अपना संबोधन करें। श्रीमान सुरेंद्र बलारा जी, सुरेंद्र बलारा जी अलका अध्यक्ष, और स्वागत गीत के लिए बहुत ही मान व सम्मान के योगे अलका अध्यक्ष होने के नाते, क्योंकि महिलाओं का सम्मान है, महिलाओं की बात ना कही जाए तो थोड़ा फर्क रहता है।